ये फाइनल देनी है 145 में। अच्छा जी सर, 180 मांग रहे हैं इसके हम जी। अच्छा, और देनी 170 में फाइनल जी। अच्छा, गाड़ी जो है अंदर बाहर से जेन्युइन है या फुल जेन्युइन? पूरी फुल जेन्युइन। गाइस कौन सी है जीप जो है? 83 मॉडल है, 15 की रजिस्टर्ड है। अच्छा, अस्सलाम गाइस, आज जो है संडे का दिन है और हम लोग अपने जो है मैं और अहमद यार जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इनको, मेरे साथ हम लोग जो है मुजफ्फरपुर बाज़ार में आ गए हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? यकीनन आज की वीडियो आपको चेंज लगेगी क्योंकि अब मैंने जो है नया मोबाइल लिया है जिसमें आपने वीडियो देख रहे होंगे कि और अच्छी क्लियर आ रही है। तो इंशाल्लाह आप लोग का ताबुन रहा तो हम और अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे, तो आप लोग का साथ चाहिए। तो जैसे कि आज जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ कि FX, पहले मैंने बोनट दिखाया पीछा, तो बैक साइड इसका और ये इसका जो है साइडें दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। गाड़ी ये भी साफ़ सुथरी है, ये इसके टायर देखिए माशाल्लाह, टायर भी अच्छे हैं। ये गाड़ी को मैं पीछे का साइड दिखा रहा हूँ, सीट वगैरह भी बहुत अच्छी बनी हुई है। स्पीकर भी है लेकिन एक स्पीकर हटा हुआ है, लेकिन पूछ लेंगे इनसे। और ये आगे का दरवाज़ा खोल के मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं हमेशा आपको ये किनारियाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से। ये इसके पिलर हैं, इसके पिलर को देखिए। अब बोनट की तरफ आ जाएँ ताकि अंदर से जो है इंजन साइड वो दिखा दूँ मैं आपको। अंदर से काफ़ी जेन्युइन है, ये देख सकते होंगे आप, जेन्युइन कंडीशन पता चल जाती है। इसके गार्ड भी देखिए ये, और ये इंजन साइड को पूरी, और ये टिकली। अब ये है कि अंदर का इंटीरियर दिखाऊं और फिर इनसे भाई से बात करते हैं कि देखें कहाँ से कितना कम हो सकता है। कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए कि कम से कम करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये गाड़ी FX कौन सा मॉडल है? 1987 मॉडल है। 1987। क्या डिमांड है? डिमांड 1.5 लाख है इसकी। डिमांड 1.5 लाख रुपए इसकी। अच्छा, कहाँ तक कमी हो जाएगी? ये फाइनल देनी है 145 में। अच्छा जी, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं हो थोड़े से 5000 रुपये क्या होता है आजकल? बेसिकली ये मैंने असल में खुद बनाई थी 2 साल पहले ना। अच्छा। तो मुझे तो तकरीबन बहुत ज़्यादा महंगी पड़ चुकी है बस। अच्छा। अब ये कि मैं रिजनेबल प्राइस में सेल आउट कर रहा हूँ। अब मार्केट में घूमे माशाल्लाह, आपको आइडिया होगा कि FX की क्या रेट चल रहा है इस वक्त। अच्छा, ये मैंने इंजन साइड देखा, वहाँ से जेन्युइन लग रही है, ओरिजिनल है अंदर से और बाहर से शावर है, अंदर से ओरिजिनल। ये खूबसूरत इंजन का साइड तो बिल्कुल जेन्युइन है, बाकी पिलर विलर देखिएगा आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अच्छा, बाहर से शावर है। तो ये यहाँ के अलावा गाड़ी को देखना चाहें तो कहाँ पे देख सकते हैं? फेडरल वी एरिया ब्लॉक 18 पे मज़ेदार हलीम के पास जी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, यानी कि आप जाइएगा तो वहाँ पे मज़ेदार हलीम भी खा लीजिएगा, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 031011274457 जी। गाइस, जैसे मैंने गाड़ी देखी, मैंने जैसे आपको पता है कि हमेशा मैं चंद गाड़ियाँ बनाता हूँ लेकिन ऐसी बनाता हूँ कि आप लोग देख के दिल खुश हो जाता होगा, ठीक है। सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, सब ये नहीं कि सस्ती हैं तो वाली बात। ये कि गाड़ी मुझे पसंद आई, इंशाल्लाह आप देखिए। 1.5 लाख रुपये कह रहे हैं, 145 पे तो आ गए हैं, लेकिन जब आप घर पे जाएंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ बातचीत हो ही जाती है ना। ज़रा से मतलब पता होता है कि जेन्युइन बायर है तो फिर ज़रा से बात है कुछ ना कुछ कभी हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें भी जाते हैं, हम दूसरी गाड़ी में जाते हैं जब तक आपके लिए एक और गाड़ी बनाते हैं जी। गाइस, एक और बेहतरीन गाड़ी, जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले इसका इंजन दिखा रहा हूँ आपको, और ये इसकी टिकली दिखाता हूँ ये, और ये जैसे मैंने आपको गाड़ी वगैरह दिखाई। अब गाड़ी को अच्छी तरह से साइडें दिखा दूं, और ये इसकी जो पिछली जो सीट्स हैं वो देखिए, इसकी भी सीटें बनी हुई अच्छी साफ़ सुथरी बनी हुई हैं। ये फ्रंट दरवाज़ा पहले वो दिखाऊं, इसकी किनारियाँ वगैरह देखें, और फिर ये इसके पिलर। अंदर से ये भी बहुत अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी, जिस तरह से हाथ रखने का भी बनाया हुआ है। और ये इसका बोनट देखिए, ये इसकी छत, और ये इसका बैक साइड। ये मैंने ड्राइविंग साइड दिखा दिया आपको। ये इस तरह का भी दरवाज़ा दिखा दिया ताकि इसको भी अच्छी तरह देख लीजिए। अब आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। और ये थोड़ा सा रह गया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये बताइए कि 86 का जी जी डिमांड क्या है? सर 180 मांग रहे हैं इसके हम जी। अच्छा। और दैनी 170 में फाइनल जी। अच्छा अच्छा। यहाँ के अलावा गाड़ी देखना चाहें तो कहाँ पे देख सकते हैं? ये आप आ जाएं समनाबाद मज़दार हलीम वाले के पास। अच्छा, समनाबाद मज़दार हलीम। ये तो अच्छी बात है। जैसे अभी गाइस इससे पहले भी हलीम वाले थे, आप लोग जाइएगा तो जरूर हलीम खाइएगा। मज़दार हलीम वाले के पास हलीम भी खिलाएंगे मुझे आगे। ठीक है, गाड़ी इंशाल्लाह ले लें आप, इनको हलीम मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि गाड़ी अंदर से या बाहर से कहाँ से जेन्युइन है? गाड़ी अच्छी है, मतलब अंदर से फुल जेन्युइन, अंदर से फुल जेन्युइन गाड़ी है, अंदर से जेन्युइन है, बाहर से बनी हुई है। गाइस वैसे तो जेन्युइन जो है इंजन का साइड है वो फुल जेन्युइन है। हाँ। और इसके अलावा गाड़ी में जो काम है वो नहीं है, क्योंकि फुल पेंट इन्होंने जो कराया हुआ हर जगह से, कोई रस्ट नहीं है, जंग नहीं है जहाँ से भी है। इंटीरियर भी, सीट्स वगैरह आपने देखी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये अब बताइए मुझे कि आखिरी कहाँ तक हो जाएगी? बस ये 170 फाइनल होंगे। 170 जी। अच्छा, अपना टेलीफोन नंबर दीजिए। याद नहीं है यार, मैं देख रहा हूँ आपको याद नहीं है। गाइस जैसे कि मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूँ, कार्ड में देख लीजिएगा टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि 1 लीटर में अंदाजन कितना किलोमीटर जाती होगी? ये जाती है 16। अच्छा, तो ये बताइए गाड़ी में वैसे तो इंजन में या गाड़ी में दूसरा काम नहीं है, लेकिन इसके कागजात वगैरह में? कागज फाइल ओके, सिविल से ओके, हर चीज़ से गाड़ी ओके। इंजन में हर चीज, इंजन से भी ओके। तो यानी कि देखें हर चीज़, यानी कि अब आपको सिर्फ गाड़ी लेके चलाने वाली बात है। ठीक है, तो गाइस आप गाड़ी जाके देखें। जब तक मैं दूसरी गाड़ी देखता हूँ आप लोग के लिए। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि गाड़ी देख रहे हैं, आपको बम्पर में थोड़ा सा कलर का काम है, बाकी आप बोनट देखें, इसकी छत देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी, पीछे से डिग्गी इसकी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्योंकि जेन्युइन कंडीशन में है गाड़ी अंदर बाहर से। ये देखें, ये वाली साइड मैंने दिखाई आपको, ये ड्राइविंग साइड देखिए, ये इसके टायर दिखा रहा हूँ। और जैसे आपका बोला है मैंने, बम्पर उसका कलर सिर्फ उखड़ा है, यानी निकल ख़राब हो गया, बाकी सही है। ये पीछे की सीट्स दिखाऊँ मैं आपको, गाड़ी बहुत अच्छी है अंदर से बाहर से। स्पीकर्स भी लगे हुए इस पर, और ये इसका फ्रंट दरवाज़ा और इसकी डोरियाँ किनारियाँ जो हैं, ये इसके पिलर देखिए। अब बोनट दिखा दूँ मैं अंदर से, इंजन साइड दिखा दूँ। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी गाड़ी। ये इसकी गाड़ी देखिए, बैटरी और इंजन में साफ़ सुथरी एरिया है। ये टिकली साइड में लगी हुई है। अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं और फिर उनसे भाई से बात करते हैं कम से कम कितने हो जाएंगे। तब तक आप ये इसका डैशबोर्ड देखिए जी। गाइस तो चलिए इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपकी गाड़ी जो है आल्टो है ना, VXR है? जी हाँ, VXR। क्या डिमांड है? दो इसकी है 6,80,000 रुपये। और मॉडल कौन सा है? 2005। 2005 का है और 6,80,000 फर्स्ट ऑनर है डिमांड है। अच्छा, फर्स्ट ऑनर आपके नाम पे? ये नहीं, ओपन लेटर पे। ओपन लेटर पे है, लेकिन है फर्स्ट ऑनर। ठीक है। अच्छा, गाड़ी जो है अंदर बाहर से जेन्युइन है या फुल जेन्युइन? पूरी फुल जेन्युइन। गाइस जिस तरह से मैंने आपको दिखाया गाड़ी तो जेन्युइन है। भाई गाड़ी को यहाँ के अलावा देखना चाहें तो कहाँ पे देख सकते हैं? नॉर्थ नाज़ाबाद में। अच्छा ये बताइए जी गाइस, गाड़ी अच्छी है इसलिए मुझे बार बार वीडियो रोकनी पड़ रही है, क्योंकि बार बार आके लोग इनसे पूछ रहे हैं कौन सी गाड़ी है, कितने की गाड़ी है, कहाँ तक कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें यही चक्कर होता है। अच्छा ये कह रहे हैं AC भी ऑन है। अच्छा, गाड़ी वैसे तो आपकी साफ़ सुथरी है, लेकिन इसके अलावा कोई काम है इंजन में, चेंजेस में या किसी और चीज़ में? किसी चीज़ में, बम्पर के अलावा। बम्पर और हेडलाइट? बम्पर तो दिखा दिया, बम्पर और हेडलाइट तो दिखा दिया, उसमें जो कलर होगा। इसके अलावा ठुका वगैरह नहीं है, लेकिन कलर ख़राब हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि 1 लीटर में तकरीबन कितना किलोमीटर चली जाती है? 1 लीटर में तकरीबन ये 9 से 10 किलोमीटर का। AC के अंदर? बगैर AC के अंदर। AC नॉन AC तकरीबन सेम चलती है। AC में 1 1.5 किलोमीटर कम कर लें आप। हाँ ज़ाहिर से बस थोड़ा बहुत तो कमी होगी। ठीक है, आपका टेलीफोन नंबर मैंने पूछा भी, ले लें आप, बताइए नंबर बताइए। 033 380 380 59 59 51 51। ठीक है गाइस, जिस तरह से मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया है, इंशाल्लाह गाड़ी देखें, आपको देखने में वीडियो में भी पसंद आ जाएगी और जाएंगे तो 100% है कि पसंद आएगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ दूसरी गाड़ी की तरफ, इंशाल्लाह फिर वहाँ पर मुलाकात होती है। जी गाइस, जैसे कि आप गाड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल कैसे वीआईपी गाड़ी है, चांद की तरह। और यह चांद से याद आया कि आज चांद भी नज़र आएगी। आप सबको चांद रात मुबारक हो। जैसे गाड़ी देख रहे हैं कि गाड़ी में जिस तरह से टेक्सचर किया हुआ है कि एक तरफ से लग रही है कि ग्रीनरी सारी घास लग रही है और दूसरी तरफ ये जो बनाया है ऐसे लग रहा है जैसे पत्थरों का काम किया होता है। पत्थर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, टाइल कह लें, टाइल तो नहीं, हाँ पत्थर वो चीज़ में जैसे पहाड़ों पर होता है ना दरख्त, वो पहाड़ों पे ये घास लगी होती है, वो इस हिसाब से लग रहा है टेक्सचर जो दिया है। बहुत रश लगा हुआ था, बहुत लोग देख रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि कम से कम आप लोग को मैंने खुद भी अच्छी चीज़ देखी और आपको भी दिखाऊं। तो थोड़ा सा भी अंदर से भी दिखाता हूँ मैं, लेकिन बाहर से ज़्यादा, बाहर से बड़ी प्यारी लग रही थी तो इसलिए मैंने बाहर से ज़्यादा आपको अच्छी तरह दिखाई। हैंडल देखें कैसे लग रहा है, जैसे चेन लगी हुई थी, ये देखें, दिखाऊँगा अभी आपको, दिखाता हूँ। इस पे बहुत वो सही फ़ोटो नहीं आई, थोड़ी सी ये देखिए। ऑटोमेटिक कार है, जीप है और इसके सब चीज़ों को उन्होंने ऐसा वीआईपी बना दिया है। ये देखिए, मैं हैंडल कर रहा था, आपको दिखाऊंगा। सीट्स देखें पीछे की, बड़ी कंफर्टेबल बनाई है अंदर से। ठीक है, आइए इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई? थोड़ा ज़ोर से बोलिए क्योंकि दरवाजे खुले हुए हैं तो आवाज़ कम आएगी। जी भाई बोले, हुक्म करें भाई। ये गाड़ी कौन सी है? जीप जो है 83 मॉडल है, 15 की रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये एकदम से जैसे गाड़ी बनी है बिल्कुल अलग है, यूनिक टाइप की बनी है, तो किसके जहन में क्या ख्याल आया था कि इसको बनाए? ये बस हमारे वालिद साहब ने जो है इसको बनाया है। अच्छा, अपने उससे इंजीनियरिंग से। अच्छा, ये अपना शौक के लिए हम लोगों ने बनाया घर के, वापस अभी हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है इसलिए हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, कहाँ से ये कराची में बनाई है या कहीं और में? नहीं नहीं, वैसे तो कोयटा में हम लोगों की रिहाइश है। हाँ। और कराची में गुलशन मेहमान में रिहाइश। अच्छा जी, चलिए गाइस, जिस तरह से मैंने आपको दिखाई गाड़ी, तो ये कहाँ तक फाइनल हो जाएगी? वैसे 22 इसके इंशाल्लाह हो जाएंगे, 22 लाख तक हो जाएंगे। ठीक है, 3400 सीसी इंजन है इसमें। अच्छा, पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये तो देखें कितनी अच्छी चीज़ें हैं और फिर बनाई है इस तरह के कि वाकई में अगर कोई लेके जाएगा तो एक दूसरी, जैसा अभी यहाँ पे जाके पीछे मैंने आपको दिखाया, ये भी दिखाता हूँ, तो रश लगा हुआ है गाड़ी को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा अपना टेलीफोन नंबर बताइए। 0 321 80 75 497। जी अच्छा, ये बताइए 1 लीटर में तकरीबन कितने किलोमीटर जाती होगी? ये देती है 9-10। एसी है इसमें? एसी भी है इसमें। ये देखें, ये बता रहे हैं जिस तरह से एसी में आपको दिखाऊंगा अभी, सारी चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से, यूनिक तरीके से बनाई हुई है। ठीक है गाइस, जिस तरह से देख रहे हैं, ये छोटे शहजादे भी खड़े हुए हैं ना। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा। मुसव्वर है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।